हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं कक्षा 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मोशन का लेक्चर नंबर 2। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो पहला टॉपिक है दूरी क्या है, दूसरा टॉपिक है विस्थापन क्या है, और तीसरा टॉपिक है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग का नाम डालेंगे दूरी। दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस, दूरी क्या? तो प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु हो, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, और इन्हीं वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। क्लियर? अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि कोई वस्तु है जो कि ए से बी चलता है और बी से सी चलता है, और कह दिया जाए बच्चों आप बताइए कि इस वस्तु या व्यक्ति द्वारा कुल कितनी दूरी चला गया, तो कुल दूरी यहां पर जो होगा, कुल दूरी यहां ए बी प्लस बी सी। अब जैसे अगर हम मान लें कि ये 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है, और आपसे कहा जाए कि आप ए से बी जाइए फिर बी से सी जाइए, और आप बताइए कि कुल कितनी दूरी आप चले, तो कितना दूरी हो जाएगा बच्चों? 5 प्लस 3 अर्थात 8 किलोमीटर। बात समझ में? तो यही है किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। बात समझ में? किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्लियर बच्चों? और दूरी को सामान्यतः, दूरी को सामान्यतः डी या एस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आई बात कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को उस वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है, और इसे सामान्यतः डी या एस से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ए है दूरी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, कोई वस्तु है ए से बी 5 किलोमीटर गया और बी से सी 3 किलोमीटर गया, तो बताइए उस वस्तु द्वारा कुल दूरी कितनी होगी? तो ए बी प्लस बी सी मतलब 5 प्लस 3 बराबर कितना? 8 किलोमीटर। बात समझ में? तो ए था बच्चों दूरी।
कॉपी करी। तो प्यारे बच्चों समझ में आया दूरी क्या है एवं फिर से परिभाषा समझते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई को उस वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं, या एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है और इसे सामान्यतः डी या एस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ध्यान देना बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में लिया गया था कि कोई वस्तु है ए से बी गया, बी से सी गया, तो बताइए उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगा, ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए से बी गए फिर बी से सी गए तो क्या बना, ए बी प्लस बी सी बराबर 5 प्लस 3 बराबर 8 किलोमीटर। बात समझ में आया? मिटाए। एक एग्जांपल और लेते हैं, कोई व्यक्ति है वह ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए पर आ गया। पहले ये जो है 2 किलोमीटर तो नहीं मान लीजिए 5 किलोमीटर चला, दूसरा 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, उसके बाद ये 4 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि जो व्यक्ति है या वस्तु वह कुल कितनी दूरी तय गया, कहाँ से चला था बच्चों, ए से, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से ए पर आ गया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर कुल दूरी बराबर ए बी, ए से बी गया पहले ए बी, फिर बी से सी गया बी सी, फिर सी से डी गया सी डी, फिर डी से ए आया डी, तो टोटल आप यहाँ पर लिखते चलिए 5 किलोमीटर प्लस बी सी 2 किलोमीटर, सी डी है 3 किलोमीटर और डी ए है कितना 4 किलोमीटर, जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों दूरी क्या है समझ में आई सबको बात, ठीक है? तो कॉपी कर लिए एग्जाम्पल के रूप में, एनसीईआरटी में ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे दूरी विस्थापन और दूरी विस्थापन में क्या अंतर है। कल लेक्चर नंबर 3 में आप लोग को पढ़ाया जाएगा दूरी और विस्थापन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए कॉपी करें। तो ए था दूरी, समझ में आएगा सबको। अब हेडिंग का नाम डालते हैं विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, चलिए व्यवहारिक भाषा से समझें। विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट रास्ता, ठीक है? शॉर्टकट रास्ता का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं कि आप ए से बी गए और बी से सी गए, बी से सी, तो प्यारे बच्चे ये जो एसी वाला मार्ग है, एसी वाला मार्ग देख रहे हैं ऐसा, यही एसी विस्थापन होता है, शॉर्टकट रास्ता, ठीक है? जैसे अब इनको हम मान लें बच्चों ये 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, तो एसी कितना होगा, तो कैसे निकालते बच्चों, चलिए समझते हैं। पहले विस्थापन की परिभाषा क्या होगी इसको, तो इस एग्जांपल से क्या पता चला बच्चों कि जो व्यक्ति जहां से चल रहा है वह पॉइंट और जहां पर वह रुक रहा है और वह पॉइंट, दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर? तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। किसी वस्तु
या व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ब्रैकेट में लिख लेना दिशा सहित, ध्यान देना विस्थापन की जो आंकड़ा हम लोग करेंगे और दिशा सहित करेंगे, दिशा सहित को विस्थापन कहते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी दिशा सहित को हम विस्थापन कहते हैं। इसे भी समानता जो है डी या एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे डी या एस से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? यार बच्चों, इसमें देखिए दिशा सहित की बात कर रहा है, तो इसलिए यह एक सदिश राशि होगी। यह एक सदिश राशि, इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा जो दूरी का होता है। क्लियर? यहां पर बच्चों है सदिश और अदिश की बात। देखिए टॉपिक तो कर चुका है आप लोगों एनसीईआरटी से, तो थोड़ा सदिश और अदिश के बारे में समझते हैं। सदिश ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। क्लियर? और अदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। क्लियर? तो दूरी में हमें कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए दूरी क्या है, अदिश राशि है। और विस्थापन में क्या है, इसमें डायरेक्शन अर्थात दिशा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि। क्लियर बच्चों? तो किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात दिशा सहित को हम विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका भी मात्रक मीटर होता है और इसे सामान्यतः डी या एस से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? कॉपी कर लीजिए, फिर एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल देख रहे हैं आप लोग, चलिए इसी को हम डिफाइन करते हैं। कहा गया कि कोई व्यक्ति है पॉइंट ए से बी गया 4 किलोमीटर, बी से सी गया 3 किलोमीटर, तो उस वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन की गणना कीजिए। तो विस्थापन क्या होगा बच्चों, एस, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति ये है, परिभाषा तो यही कह रही है। तो प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात या लंबवत दूरी भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब ए सी, हमेशा ध्यान देना जब भी विस्थापन निकालना पड़ेगा वहां आपको समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको रचना करके बनाएंगे, क्योंकि विस्थापन का जो गणना है वह हम समकोण त्रिभुज के आधार पर ज्ञात करते हैं। क्लियर? हर हाल में आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर उसमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय, गणित में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए, या 90 डिग्री है और एसी निकालना है, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या होगा बच्चों, एसी का स्क्वायर बराबर, और लंबाई, लंब क्या है बच्चों यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान रखते हैं फटाफट सबका, ए सी स्क्वायर बराबर है 4 किलोमीटर, 4 का वर्ग और 3 किलोमीटर, क्या बनेगा 16 प्लस 9 बराबर कितना 25, अर्थात ए सी की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस 5 किलोमीटर, अर्थात विस्थापन जो आपका आया कितना आया 5 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों?
न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी, दूरी से हमेशा विस्थापन कम होगा, ज्यादा कमी नहीं हो सकता। क्लियर? जैसे दूरी की चर्चा करें, 4, 3, 7 किलोमीटर दूरी आ गया तो विस्थापन कितना आया? 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है विस्थापन हमेशा जो है दूरी से कम होता है। बात समझ में आई? चलिए कॉपी करते हैं और आगे कल न्यूमेरिकल कराएंगे आप लोगों को एनसीईआरटी से। आप लोग लगाइएगा और जो बीपीओआईसी ग्रुप में जुड़े हैं बच्चे वो जरूर जो है उसमें मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पर कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्लियर? कॉपी करिए। तो ये था प्यारे बच्चों विस्थापन। मिटा दे। अब तीसरा टॉपिक आज का है दूरी व विस्थापन में अंतर। दूरी व विस्थापन में अंतर। चलिए समझते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या अंतर होता है। दो कॉलम बनाते हैं, पहले कॉलम में लिखते हैं दूरी, और दूसरे कॉलम में लिखते हैं विस्थापन। पहला अंतर क्या है? पहला अंतर तो यही है, यह है एक अदिश राशि है। क्यों भैया? है ना, अभी पढ़ी परिभाषा से जितना भी यहाँ पर डिफरेंस अर्थात अंतर आप पढ़ने पढ़ेंगे वो सब परिभाषा से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा से ही सब जो है माने, यह एक अदिश राशि है तो ये क्या है बच्चों, यह एक सदिश राशि है। या एक सदिश राशि। दूसरा डिफरेंस बताओ। दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्लियर? और जबकि प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन। दूसरा आप लोग लिख लेना परिभाषा बना परिभाषा से। क्लियर? अब देखते हैं, दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है विस्थापन जबकि क्या होगा? यानी बच्चों विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, या शून्य हो सकता है, या शून्य हो सकता है। क्लियर? तो विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। चलिए अभी एग्जांपल बताएंगे, पहले डिफरेंस लिख लिया जाए। तीसरा पॉइंट क्या बनाओगे बच्चों? परिभाषा से बनाइए। मार्ग में कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और इसमें प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई? तीन डिफरेंस हो गया, एक आप डिफरेंस और लिख लिया जाए। दूरी जो है यस विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। ध्यान देना, चिन्ह है ना, दूरी ग्रेटर देन एंड इक्वल विस्थापन, मतलब दूरी जो है विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। क्लियर?
इसमें देखते हैं, विस्थापन जो है दूरी से हमेशा छोटा, अर्थात विस्थापन इज लेस देन एंड इक्वल दूरी, विस्थापन दूरी से हमेशा छोटा, तभी तो परिभाषा करें न्यूनतम दूरी है ना, और बराबर भी हो सकता है। क्लियर, ये था प्यारे बच्चों दूरी व विस्थापन में अंतर, जो कि काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, अधिक से अधिक कॉपी कर लीजिए, मिटा दे। कुछ बेसिक पॉइंट है उनको आपको याद रखना है नोट करके। यदि कोई वस्तु जिस बिंदु से चलती है और उसी बिंदु पर वापस आ जाती है, उसी बिंदु पर वापस आ जाती है ठीक है, यदि कोई वस्तु जिस बिंदु से चलेगी और उसी बिंदु पर वापस आ जाए तो विस्थापन शून्य होता है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं प्यारे बच्चे, जैसे कोई वस्तु है पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ए से बी गया, कोई वस्तु है ए से कहां गया बच्चों बी, फिर बी से ए आ पॉइंट ए पर आ, मतलब ए से गया बी फिर बी से ए पर आ, तो यहां पर विस्थापन कितना होगा बच्चों, न्यूनतम दूरी कितनी हो रही है भाई, न्यूनतम दूरी जहां से गया वहीं पर आ गया वापस, तो विस्थापन क्या शून्य हो, विस्थापन क्या हुआ शून्य, जबकि दूरी क्या हो, मान लेते हैं 5 किलोमीटर है, ए से बी गया बी से ए गया, तो दूरी क्या परिभाषा पड़े, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा मार्ग में चली गई कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर कुल लंबाई, कुल लंबाई का मतलब हो गया जो यहाँ पर ए बी प्लस बी ए, तो ए बी प्लस बी ए कितना 5 + 5 बराबर कितना 10 किलोमीटर, बात समझ में आई। दूरी का मान जो है 10 किलोमीटर और जबकि विस्थापन क्या हो, तो याद रखना जब कोई भी व्यक्ति जो है जहां से चले अगर वहीं पर वापस आ जाए तो उस वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा शून्य हो। क्लियर, कॉपी कर लीजिए, दूसरा नोट देखते हैं। पॉइंट टू, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है ए से गया बी, ए से गया बी कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो दूरी कितना होगा बच्चों, दूरी बराबर कुल लंबाई, कुल लंबाई क्या है बच्चों यहाँ पर ए बी, और ए बी कितना है 5 किलोमीटर, तो भैया समझ में, अब विस्थापन क्या होगा, विस्थापन ए से बी गया तो ए से बी तक की न्यूनतम दूरी यही होगी, ये प्रारंभिक स्थिति हुआ और ये अंतिम स्थिति हुआ, तो विस्थापन क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, यह ए बी ही तो होगा और ए बी कितना है 5 किलोमीटर। तभी अंतर में आप लोग देखे कि दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं, तो कौन सी स्थिति है ऐसा जो बराबर हो, यही स्थिति कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, मतलब केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और विस्थापन क्या होगा बराबर। क्लियर, ठीक, कॉपी कर लीजिए प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बस यहीं तक, कल लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, नोट्स बनाते चलिएगा, जहाँ ना समझ में आए जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।